success that we had tonight, it's because look at this room. We built a coalition that could withstand some of the most vile things that could be thrown at a candidate. We didn't just deal with ads, we dealt with straight up lies. We dealt with whatever you could throw at someone, and we withstood it all, and we are here tonight victorious! अमेरिकी राजनीति में हाल ही में हुई घटनाएं न्यू जर्सी के राजनीतिक परिदृश्य को बदल रही हैं। डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि एंडी किम ने न्यू जर्सी की सीनेट प्राथमिक चुनाव में जीत हासिल की है, जिससे वह जनरल इलेक्शन के लिए मजबूत स्थिति में है। लेकिन यह जीत ऐसे समय में आई है जब डेमोक्रेटिक सीनेटर बॉब मेनेंडेज ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, जबकि उन पर संघीय भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। यह घटनाक्रम कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, जैसे एंडी किम की इस जीत के पीछे कौन कौन से कारक हैं। बॉब मेनेंडेज के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने से डेमोक्रेटिक वोटों पर क्या असर पड़ेगा? क्या रिपब्लिकन उम्मीदवार कॉर्टिस बाशा को इस विभाजन का लाभ मिल सकता है? और इस घटनाक्रम का न्यू जर्सी की राजनीति और व्यापक अमेरिकी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरे सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका एनी। न्यू जर्सी की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जब डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि एंडी किम ने सीनेट प्राथमिक चुनाव में जीत दर्ज की है। एंडी किम जो 3 बार के कांग्रेस सदस्य हैं और ओबामा प्रशासन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में तेजी से प्रगति की। उन्होंने 2018 में हाउस चुनाव में एक मौजूदा रिपब्लिकन को हराया और न्यू जर्सी की अनोखी प्रणाली को कोर्ट में चुनौती देकर अपने पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय हासिल किया। ऐसे में किम की जीत को एक लोगों द्वारा समर्थित आंदोलन के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया और न्यू जर्सी की मशीन पॉलिटिक्स का सामना किया। किम ने यह जीत एक ऐसे समय में हासिल की है जब न्यू जर्सी की प्रथम महिला टैमी मर्फी ने प्रतियोगिता में हटने का फैसला किया, जिससे प्राथमिक चुनाव में किम को श्रम नेता पेट्रियोसिया कैंपो मेडिना और लंबे समय से जमीनी कार्यकर्ता लॉरेंस हेम के खिलाफ मुकाबला करना पड़ा। दूसरी ओर सीनेटर बॉब मेनेंडेज, जो 3 बार के सीनेटर हैं, उन्होंने इस साल डेमोक्रेट के रूप में पुनः चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ट्रेटन में पंजीकरण कराया। मेनेंडेज ने आशा व्यक्त की है कि वे इस गर्मी में आरोपों से भरी हो जाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सीनेट पर उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है और रिपब्लिकन पार्टी इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। रिपब्लिकन उम्मीदवार कॉर्टिस बाशा, जो एक धनवान होटल संचालक हैं, उन्होंने जीओपी के प्राथमिक चुनाव में जीत हासिल की है और वे न्यू जर्सी के एक पार्टी के एकाधिकार को समाप्त करने का संकल्प लेते हुए वॉशिंगटन में एक कंजर्वेटिव नेता भेजने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि यह देखना बाकी है कि यह संदेश जनरल इलेक्शन के मतदाताओं के साथ कितना मेल खाता है, क्योंकि पिछले 5 दशकों में न्यू जर्सी ने किसी रिपब्लिकन को सीनेट में नहीं चुना। आपको बता दें कि एंडी किम की जीत कई महत्वपूर्ण घटनाओं और कारकों का परिणाम है। सबसे पहले, किम की व्यक्तिगत और राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें इस प्रतियोगिता में एक मजबूत उम्मीदवार बनाया। ओबामा प्रशासन के दौरान उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करने का अनुभव और 2018 में एक मौजूदा रिपब्लिकन को हराने की उनकी क्षमता ने उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किम ने न्यू जर्सी की पार्टी मशीन पॉलिटिक्स के खिलाफ एक प्रभावी अभियान चलाया। न्यू जर्सी में काउंटी लाइन प्रणाली, जो प्राथमिक बैलेट पर उम्मीदवारों की स्थिति को प्रभावित करती है, उनको चुनौती देकर किम ने यह साबित किया कि वे सत्ता के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हैं। उनकी यह रणनीति मतदाताओं के बीच काफी प्रभावी साबित हुई और उन्हें व्यापक समर्थन मिला। बॉब मेनेंडेज के खिलाफ चल रहे संघीय भ्रष्टाचार के मामले ने भी इस चुनाव को महत्वपूर्ण बना दिया। मेनेंडेज ने डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में पुनः चुनाव लड़ने से इनकार कर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया।
यह निर्णय डेमोक्रेटिक वोटों को विभाजित कर सकता है और रिपब्लिकन उम्मीदवार कॉर्टिस बाशा को लाभ पहुंचा सकता है। वैसे मेनेंडेज के खिलाफ आरोप गंभीर है, जिसमें उन्होंने गोल्ड बार, नकदी, एक लग्जरी वाहन और एक बंधक भुगतान के बदले आधिकारिक कार्यों का वादा किया था। यह आरोप उनके राजनीतिक करियर पर एक गहरा धब्बा है और उनका स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर इतिहास में देखें तो इंडी किम का राजनीतिक करियर 2018 में उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने तीसरे जिले से रिपब्लिकन टॉम मैकआर्थर को हराया। एक रोडस स्कॉलर के रूप में किम ने ओबामा प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में सेवा की, जहां उन्होंने विदेश विभाग, रक्षा विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में काम किया। उनके इस अनुभव ने उन्हें एक कुशल और सक्षम नेता के रूप में स्थापित किया। रिपब्लिकन पार्टी के लिए कॉर्टिस बाशा की उम्मीदवारी महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने अपनी अभियान में न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक पार्टी के एकाधिकार को समाप्त करने और वॉशिंगटन में एक कंजर्वेटिव नेता भेजने पर जोर दिया। हालांकि न्यू जर्सी के मतदाताओं ने पिछले 5 दशकों में किसी रिपब्लिकन को सीनेट से नहीं चुना है, जिससे यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बाशा का संदेश जनरल इलेक्शन के मतदाताओं के साथ मेल खाता है। बाकी इसी तरह 2018 के मध्यावधि चुनावों में भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने कई प्रमुख जीत दर्ज की। एंड्री किम ने तीसरे जिले से रिपब्लिकन टॉम मैकआर्थर को हराकर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इसके अलावा 2018 में न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कई अन्य महत्वपूर्ण जीत दर्ज की, जिसने राज्य की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया। तो इसी तरह इंडी किम की न्यू जर्सी सीनेट प्राथमिक चुनाव में जीत और बॉब मेनेंडेज का स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय न्यू जर्सी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह घटनाक्रम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। किम की जीत एक लोगों द्वारा समर्थित आंदोलन के रूप में भी देखी जा रही है, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया और न्यू जर्सी की मशीन पॉलिटिक्स का सामना किया। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।